शनिवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जिला भू अर्जन कार्यालय दरभंगा का नियमित निरीक्षण किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2007 में भी जिला भू अर्जन कार्यालय दरभंगा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कार्यालय प्रबंधन, साफ सफाई, अभिलेखों का रख रखाव, भवन की स्थिति संतोषजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान गंडौल बिरौल सड़क परियोजना से संबंधित भू अर्जन की धीमी गति को देखते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुमन कुमार उपस्थित थे। शनिवार को न्यायालय परिक्षेत्र में लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं इस लोक अदालत का प्रारंभ दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी सतवीर सिंह, डीजे अरुणेंद्र कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें जन समस्या के कई विभाग का काउंटर लगाकर निष्पादन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत पूरे देश में लगाया गया है। दरभंगा जनपद में भी न्यायालय परिसर दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल में लोक अदालत लगाया गया है। इसमें हर तरह के ऐसे मुकदमे जिनका सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाना है, वैसे मुकदमों को रखा गया है। सारे पक्षकारों को सूचित करके बुलाया गया है व भारी संख्या में इस विकलांग का अधिक लाभ होने के संबंध में 11 फरवरी को अलग से आईएमए में कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से लोगों को निदान किया जाएगा। रोटरी क्लब दरभंगा एवं रोटरी क्लब पूना के द्वारा एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई से भी 4 इंच नीचे कटे हुए हाथ का प्रत्यारोपण होगा और ये सामान भी लगेगा। ये अमेरिका से बना हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क है। और प्रत्यारोपण के बाद हम लोग मरीज को खाना खिलाएंगे, हाथ से कलम से लिखेंगे और मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं। और ये सामान लगभग एक हाथ में बनाने में लगभग समझ लीजिए 50,000 रुपये लगेगा और ये बिल्कुल मुफ्त है। और ये रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा और रोटरी क्लब पूना के द्वारा जो कार्यक्रम है, ये सामान रोटरी क्लब पूना लेके आएगा यहाँ पर। और जब तक 50 मरीजों का नहीं इकट्ठा होगा तब तक ये कार्यक्रम नहीं होगा, इसीलिए हम आम जन से अपील करेंगे। लहड़ी से बेता स्थित डॉक्टर जी एन दुबे के क्लिनिक में प्रत्येक माह 12 तारीख को 50 रुपए शुल्क के साथ हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही इसमें हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, जिसकी शुरुआत फरवरी माह की 12 तारीख से किया जाएगा। है कि हमारे क्लिनिक में हर महीने की 12 तारीख को हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी की जांच की सुविधा उपलब्ध कर मात्र 50 रुपये शुल्क लेकर की जाएगी। और इसकी प्राइवेट लैब में जाँच जो है आपको 600 से 800 रुपये में उपलब्ध है। साथ ही साथ हर महीने की 12 तारीख को हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। ये टीकाकरण किसी भी मरीज का अगर करते हैं तो वो 3 डोजेस का होता है, 2 शेड्यूल हैं। आप अभी लेंगे, 1 महीने बाद लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे, या फिर अभी लेंगे, 1 महीने बाद लेंगे और दूसरे महीने में यानी तीसरे महीने में। ये 2 डोजेस शेड्यूल हैं, फ्री में ये टीकाकरण किया जाएगा। इस क्लिनिक में उद्देश्य यही है। इस टीकाकरण में और जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वो सभी मरीज भाग ले सकते हैं जिनके घर में किसी को पीलिया हुआ हो पहले। शनिवार को भाकपा माले के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जिसमें पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में निकाल कर गिरिराज सिंह पर दलित महादलित के जमीन पर कब्जा करने को लेकर इस्तीफा देने का मांग किया गया। हमला हो रहा है और भारत सरकार के जो मंत्री है गिरिराज सिंह, वो पटना में दलितों के जमीन को जबरन दखल कर लिए हैं। इससे पूर्व भी इसी भारत सरकार के मंत्री के यहाँ करोड़ों अरबों रुपया पकड़ाया था, लेकिन हम बिहार के सुशासन बाबू से पूछना चाहते हैं इस मंत्री पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ भारत सरकार के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, उनसे भी ये भाकपा माले का सवाल है कि आपका जो मंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, करोड़ों अरबों रुपया पकड़ाया था और
उससे भी हद हो गया कि दलितों के जमीन को जबरन दखल कर लिया। इसीलिए भाकपा माले के लोग आज पूरे बिहार में प्रतिवाद निकाल करके गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त की का हम मांग करते हैं। आज जो है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस नई दिल्ली के तत्वावधान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा में किया गया है। प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी लेवल्स के टीचर्स के लिए ये वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में बताया जाता है क्योंकि ये डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस दिल्ली के अंतर्गत और जो हमारे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर है इसके अंतर्गत ये वर्कशॉप आयोजित किया जाता है। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं पटना से। इसमें बताया जाता है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को LKG UKG स्टैंडर्ड 1 और 2 के बच्चों को जो बहुत बहुत छोटे स्टेज पर होते हैं उनको किस तरह से पढ़ाना है, उनको उनके जीवन में कैसे बहुत सारे वेरियस स्किल्स डेवलप करने हैं, वो बच्चा किस तरह से एक अच्छा लर्नर बनेगा, एक ड्यूटीफुल। वहीं डीएवी मालीघाट मुजफ्फरपुर के प्राचार्य एमके वर्मा, डीएवी दरभंगा की प्राचार्य सविता, मास्टर प्रियंका, मास्टर ट्रेनर अनुपम, प्रशिक्षु शिक्षिकाओं के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्राचार्य सविता ने उद्घाटन भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आज हमारे विद्यालय डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा प्रांगण में एक दिवसीय कार्यशाला है प्री प्राइमरी प्राइमरी टीचर्स के लिए। अगर चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो तो बच्चों का जो नींव है वो सुदृढ़ होना चाहिए और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आने चाहिए। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का लिखना पढ़ना नहीं, उनको अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको भी लेना है। तो आज जो हमारा एक दिवसीय वर्कशॉप है इसमें 9 विद्यालय के शिक्षक हैं। हर एक विद्यालय से आपको 4 या 5 न्यूनतम 4 शिक्षक हैं, कहीं से 5 और 6 भी हैं। मुजफ्फरपुर से हैं आपको हाजीपुर, नारहा, सीतामढ़ी, कांटी, दरभंगा के शिक्षक हैं और मास्टर ट्रेनर हैं हमारे जो आई हैं वो DAV BSCB पुनाई। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के हराई पोखरी स्थित नाट्य भवन में शनिवार को कार्यशाला में विशेषज्ञ विजय कुमार शाह ने आंकिक, वाचिक, सात्विक और आहार प्रणाली में से सात्विक एवं आहार के संबंध में प्रतिभागियों को बताया गया। वही सभ्यार प्रणाली को पेपर पेंटिंग और मॉडल के द्वारा सिखाया गया और प्रतिभागियों से भी बनाया गया। छात्र चुनाव को लेकर कई संगठन के छात्र सदस्य नामांकन कर रहे हैं। नामांकन के क्रम में शनिवार को चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय में कई छात्र छात्राओं ने नामांकन दर्ज कराया। सेल्फ अटेस्टेड उनका जो 10th का सर्टिफिकेट है, उनका नॉमिनेशन पेपर, साथ में उनके साथ 2 प्रपोजर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट, उनका डिक्लेरेशन, 75% अटेंडेंस और उनसे ये भी डिमांड किया जा रहा है जो यूनिवर्सिटी का जो उनका नन एरियर इस फाइनेंशियल ईयर में उनका उनके ऊपर कोई एरियर ना हो एग्जामिनेशन ईयर में उसके रिगार्डिंग सर। वहीं जिसे समर्थकों ने माला पहनाकर जमकर स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों का कहना था कि अगर उसे जीत हासिल होती है तो महाविद्यालय का सर्वांगीण विकास करेंगे। साइंस कॉलेज में नॉमिनेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट पद के लिए। जीतने के बाद जो भी कॉलेज में समस्याएं हैं छात्र हित के लिए उसके लिए हम काम करेंगे और जो है कैंटीन की व्यवस्था हो या लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी हो या लैब में जो है केमिकल्स की कमी हो और स्वच्छता पे विशेष करके हमारा ध्यान रहेगा। क्या नाम है? मोहम्मद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। शनिवार को कुलपति के कार्यालय कक्ष में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी संकायाध्यक्ष, स्थानीय प्रधानाचार्य एवं पदाधिकारियों की बैठक में छात्र संघ चुनाव संबंधित विचार विमर्श के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के नियमित छात्र को ही चुनाव संबंधित जानकारी देने के उत्तरदायी। विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन से चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन से किसी प्रकार की जानकारी लेने आए छात्र अपनी शैक्षणिक पहचान पत्र लेकर ही किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते। चोटी प्रखंड में जिला योजना समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए। जिला पार्षद समीउल्लाह खान का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया।
वहीं दरभंगा से घर नया गांव जाने के क्रम में रनवे चौक पर दर्जनों युवा मोटरसाइकिल से आगवानी की और उन्हें पुष्प मालाओं से जमकर स्वागत किया। क्योटी प्रखंड के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र क्योटी रनवे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत आयोजित शिविर में प्रभारी डॉक्टर एन के लाल एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सविता मिश्रा ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से पहुँचे। वहीं 205 गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व चिकित्सकीय जांच कर आयरन फोलिक टैबलेट के बाद आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दिए। क्योटी प्रखंड के दरिमा गांव में राजद विधायक डॉक्टर फराज फातिमे ने MM GSY MR श्रेणी 1 के अंतर्गत NH 105 दरिमा चौक से क्योटी भाया चक भवानी पथ की मरम्मती निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी की अध्यक्षता में हुई समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने केंद्र व बिहार सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि दोनों सरकार की गलत नीति एवं नियत के कारण जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता। 20 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय परिसर में भाजपा बिरौल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक मंडल अध्यक्ष माधव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को एक सप्ताह में प्रत्येक बूथ पर BLA 2 मनोनीत करते हेतु आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वर्ष 2018 से 19 में पारित बजट में किसानों के लिए काफी योजनाओं को लागू किए, जिसका प्रचार प्रसार हेतु किसान मोर्चा किसान चौपाल लगाएगी। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के पोखराम दक्षिणी पंचायत स्थित बलहा कुंज में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिन कथा का विसर्जन मंत्र उच्चार कर किया गया। माता जानकी के लोगों ने मिथिलांचल परंपरा के मुताबिक विदा दी। इस दौरान महिला भक्त जनों ने पारंपरिक लोक गीतों का गाना गाया, जहां भारी संख्या में लोगों ने भगवान राम सीता के जयकारे लगाकर विदाई क्षण में भावुक हुए। इस दृश्य को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित हो रहे थे।